हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राज और आज हम आपको बताएंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के TNB कॉलेज में वोकेशनल कोर्स के लिए BCA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो बनी रहिए हमारे वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। ध्यान रहे, आर्ट्स वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको TNB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और वहाँ अपना फॉर्म फिल करना है। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस बार 2022 में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ आने के बाद मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट से उस डेट के बीच आप एडमिशन करवा सकते हैं, तो आप उस डेट में कॉलेज में जाए और वहाँ पे एडमिशन करवा लें। और मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में उतना नहीं बता सकता, बट मैं इतना बताऊँगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इन तीनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ये तीनों पहले से बनवा के रख लें। तो आप चलते फी स्ट्रक्चर पे। तो फी स्ट्रक्चर में आपको BCA का कोर्स 3 साल का होता है और 6 सेमेस्टर होता है। तो 1 साल में 2 सेमेस्टर आता है 6-6 महीना पे। तो हर सेमेस्टर के बाद एडमिशन जो होगा नेक्स्ट में उसमें आपको पैसा लगेगा, तो ऐसा करके होगा। बाकी आपका टोटल खर्चा वही 70 से 80 हज़ार लगेगा। बाकी का आपको एडमिशन लेने के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। और कुछ अपडेट आती है तो मैं वीडियो के जरिए आप लोग को बताता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।